हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीवो फ़ोन से प्राइवेसी लॉक को अनलॉक करेंगे, वो भी विथाउट डाटा लॉस। तो ये देख सकते हैं, आज हमारे पास ये फ़ोन आया है वीवो का। इस ट्रिक से आप किसी भी वीवो फ़ोन से प्राइवेसी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, स्क्रीन लॉक और प्राइवेसी लॉक अलग होता है। जैसे कि हमको इसका स्क्रीन लॉक पता है जो हमने अनलॉक कर लिया। अब इसमें प्राइवेसी लॉक क्या होता है वो आप जानते होंगे, फोटो हाइड वगैरह, ऐप लॉक वगैरह यूज करते हैं अपन, उसको बोलते हैं प्राइवेसी लॉक। तो यहाँ पे आते हैं अपन और ये देख सकते हैं प्राइवेसी, और देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन, ये वाला लॉक भूल चुके हैं। तो इस लॉक को अनलॉक करेंगे हम, वो भी हम इस लॉक को अनलॉक करेंगे वो भी हम विदाउट डाटा लॉस। तो फॉरगेट करके ट्राई करते हैं, फॉरगेट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ कुछ भी रैंडम डाल के ट्राई करते हैं, देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कोई भी वीवो के फ़ोन से प्राइवेसी लॉक को अनलॉक करेंगे, वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्राइवेसी लॉक को अनलॉक करते हैं। प्राइवेसी लॉक को अनलॉक करने के लिए यहाँ ध्यान रखना, आपके ना कॉन्टैक्ट चले जाएंगे सारे, ओनली के आपका डाटा बच जाएगा जो भी गैलरी में होगा। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है अबाउट सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट में आने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं हम बैकअप एंड रीसेट के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है इरेज ऑल डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे क्या है, जीमेल से लेके सब कुछ हट जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं फॉर्मेट फोन स्टोरेज पर टेक नहीं करेंगे, इससे क्या होगा हमारे फ़ोन में का डाटा नहीं जाएगा। तो इस पर अगर आपका ऐसा टिक है तो इससे आपको क्या करना, टिक हटा देना है। टिक हटाने से क्या होगा, फ़ोन में डाटा नहीं जाएगा और प्राइवेसी लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, और इरेज ऑल डाटा और प्राइवेसी फ़ोन स्टोरेज पे टिक हटा देना है और क्लियर नाउ पे क्लिक करना है। फ़ोन का स्क्रीन लॉक डालना है यहाँ पे और यहाँ पे कंफर्म कर देना है, देख सकते हैं मैंने कंफर्म कर दिया है और यहाँ पे इरेजिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, इसको इरेज होने में ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जब ये इरेजिंग हो रही हो तो इस दौरान आपको फोन में किसी भी चीज़ का कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करनी, देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा क्लियरिंग डाटा डू नॉट ऑपरेट द डिवाइस, यहाँ पे आपको ओनली वेट करना है। देख सकते हैं क्लियरिंग हो चुकी है, अब फोन स्टार्ट हो रहा है। पहली बार फोन को स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, करीबन 1 से 2 मिनट में स्टार्ट होगा फोन। देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लगा रहा था, हम वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं। और देख सकते हैं गाइस हमारा फोन ऑन हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है इसमें से प्राइवेसी लॉक हटा और डाटा बचा है या नहीं बचा। तो चलिए फोन को सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए यहाँ पे करना है सेटअप योर फोन, इसके बाद करना नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री, यहाँ पे कर देते हैं स्किप, एक्सपेक्ट नेक्स्ट स्किप स्किप स्किप, कितनी बार स्किप करा हुआ, यूज नाउ। और देख सकते हैं गाइस हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं हमारा डाटा बचा है नहीं बचा। डाटा को चेक करने के लिए सोचा गैलरी कहाँ है, ये रही हमारी एल्बम्स,
और देख सकते हैं गाइस हमारा फोन में कोई भी डाटा इरेज नहीं हुआ, पूरा डाटा बचा हुआ है। देख सकते हैं फोटो लोड हो रहे हैं, 543 609 675 करीबन ऑल डाटा आ रहा है। तो चलिए कॉन्टैक्ट चेक करते हैं, देख सकते हैं कॉन्टैक्ट जा चुके हैं। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको पहले बैकअप लेना था, पर देख सकते हैं गाइस हमारे फ़ोन में पूरा डाटा बच गया है। चलिए प्राइवेसी लॉक को चेक करते हैं। प्राइवेसी लॉक में चेक करने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है फिर से सिस्टम मैनेजमेंट, सॉरी सेटिंग में आने के बाद ही आपको यहाँ पे जाना है प्राइवेसी, और देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड, तो देख सकते हैं अब ये पासवर्ड मांगने की कह रहा है नया लॉग लगाने के लिए, तो इसको कर देते हैं बैक। और हमारे फ़ोन से लॉग हट चुका है और डाटा भी नहीं गया। इस ट्रिक से आप किसी भी वीवो के फ़ोन को प्राइवेसी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।